रिहेबिलिटेशन क्या होता है, रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस क्या होता है और रिहेबिलिटेशन कैसे किया जाता है, ये तीन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें। और आज इस टॉपिक में, वीडियो में हम वही डिस्कशन करेंगे कि रिहेबिलिटेशन क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। हाय, मेरा नाम विश्वरंजन मोहंती है, मैं एक प्रोस्टिट्यूट ऑर्थोटिस्ट हूँ, एक रिहेबिलिटेशन हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ। रिहेबिलिटेशन एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हमको क्या होता है कि जो पर्सन को हमको रिहेबिलिटेट करने वाले हैं, उसका प्रीवियस जो लाइफ है, उसका जो पहले वाला जो लाइफ है, उसको हमको रिस्टोर करना की ही रिहेबिलिटेशन किया जाता है, बोला जाता है। तो रिहेबिलिटेशन में क्या होता है कि बाय सपोर्टिवली, बाय प्रिवेंटिवली, बाय पैलेटिवली, और जैसे कि आपको ये जो चार एलिमेंट्स रहते हैं ना, सपोर्टिव, प्रिवेंटिव, रिस्टोरेटिव, पैलेटिव, ये चारों थिंग लेके एक बंदे को हम लोग रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। और रिहेबिलिटेशन जो होता है, बेसिकली किस चीज़ के लिए रिहेबिलिटेशन होता है? रिहेबिलिटेशन होता है, एक होता है फिजिकल रिहेबिलिटेशन होता है, अगर बॉडी का कोई पार्ट अगर डिफॉर्म हो गया, प्रॉब्लम हो गया, उसके लिए फिजिकल रिहेबिलिटेशन होता है। साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन होता है, साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन में क्या होता है, अगर वो बंदा कुछ चीज़ के एडिक्शन हो गया है या फिर उसका मनोबल खराब हो गया है, मतलब मनोस्थिति जो वो थोड़ा बिगड़ गया है, उसके लिए हम लोग साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन करते हैं। सोशल रिहेबिलिटेशन करते हैं, जैसे कि कोई सोसाइटी में कैसे उसको रहना है, कैसे उसको स्टेबिलाइज लाना है अपने अंदर, इसको बोलते हैं सोशल रिहेबिलिटेशन। तो मेन जो बेसिकली जो है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल रिहेबिलिटेशन होता है। आज डिस्कशन करेंगे फिजिकल रिहेबिलिटेशन। फिजिकल रिहेबिलिटेशन में क्या होता है कि जैसे कि कोई बंदा, अगर कोई पर्सन है, अगर उसका पैर लॉस होता है या हैंड लॉस होता है, तो आपको समझते हैं जैसे कि किसी का, अगर किसी को एक 2-3 दिन का फीवर होता है, तो 2-3 दिन के अंदर फीवर के कारण वो बहुत, एक होता है कि वो फिजिकली वीक हो जाता है, सेकंड थिंग होता है कि वो साइकोलॉजी भी वीक हो जाता है, यार कहीं पे जा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, खाने का भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये चीज़ होता है, कोई बंदे का अगर उसका बॉडी का एक पार्ट चला जाता है, तो डेफिनेटली ही विल बी इन ए फिजिकल ट्रॉमा, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा एंड सोशियोलॉजिकल ट्रॉमा ऑल्सो। तो बहुत वो डिप्रेशन में रहता है और उसका जो एंगजाइटी लेवल है बहुत हाई रहता है, डिप्रेशन में भी बंदा आता है। तो जो उसका जो फिजिकल लॉस होता है, जो उसका फिजिकल लॉस होता है, लेट वी कॉल एज ए लॉस, फेज ऑफ लॉस, उसको फेज ऑफ लॉस हो गया, अगर हमको वी फील, अगर हमको रिस्टोर करना है उसको नॉर्मल एक्टिविटीज़ को, मतलब रीगेन टू हिज नॉर्मल एक्टिविटीज, ये हो गया फेज ऑफ रीगेन। तो पेशेंट को क्या, कहाँ से कहाँ जाना है, फेज ऑफ लॉस से फेज ऑफ रीगन, जो पहले जो उसका पैर रिलीज रिलीव कट हो गया है या फिर एम्पुटेशन हो गया है, वहाँ से लेके उसको जैसे कि वो नॉर्मल एक्टिविटी करता था, घूमता था, कुछ कहीं पे जाता था, उसका नॉर्मल का डेली एक्टिविटीज करता था, जॉब को अच्छी तरह से जॉब को इज अर्निंग सम अमाउंट फॉर इज डेली लिविंग, तो ये सब चीज़ को उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना, फिजिकल रिहेबिलिटेशन है, हम लोग को फेज ऑफ लॉस से फेज ऑफ रीगेन को लाना है पेशेंट्स को। गलती कहाँ पे होता है, हम लोग जैसे पेशेंट का अम्पुटेशन हो जाता है, वी सेव द लाइफ ऑफ ए पेशेंट, हम लोग उसका लाइफ बचा दिए, बट बचाने के बाद हम लोग कभी सोचते नहीं है कि वो कैसा इस पोजीशन में और ये पोजीशन में कैसा आएगा, जैसे कि उसका ऐसा हो गया है तो फिर उसका कोई फ्यूचर का कुछ प्लान होगा, इसका कुछ एस्पिरेशन होगा कुछ करने का, लेकिन उसका लाइफ तो बचा दिए, बट उसका जो कुछ साइकोलॉजिकल जो जो स्टेटस है, उसका कंडीशन कैसा है, हम बहुत सारे लोग उसको पढ़ नहीं पाते, उसका साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है, कैसे वो फिजिकली, साइकोलॉजिकली, सोशली वो रिहेबिलिटेड होगा, हम उसी के बारे में बात करेंगे और बात कर रहे हैं भी इसके बारे में। तो हमेशा याद रखिए, जब पेशेंट का पैर कटता है तो उसको ओनली लेग लगाना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेग लगा के लगाने के बाद वो कैसा उसका नॉर्मल एक्टिविटी कर सकता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हम सबको इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियोस में, अंटिल देन बाय।